अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मूंग दाल की निमकौर, जिसको बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। 2 कप हमें मूंग की दाल चाहिए, जो कि ओवरनाइट सोक कर दी थी। उस सोक करते हुए आपने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाना है और उसे ओवरनाइट सोक कर देनी है। और 1 टीस्पून हमें सॉल्ट चाहिए। और 2 किचन टॉवल चाहिए ऐसे। 1 वुड स्पून चाहिए। और ऑयल फॉर फ्राइंग, ये तो कंपलसरी हर इस रेसिपी में। तो सबसे पहला स्टेप इस रेसिपी का ये है कि जो दाल हमने सो की हुई है उसे हमने ड्राई करनी है। वो इस तरह से करेंगे कि आगे वीडियो में चल के मैं आपको बताती हूँ। ये जो किचन टॉवल है, इसमें से एक आपने पूरा अच्छे तरीके से अपने किचन काउंटर पर बिछा देना है। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने किचन काउंटर पे ये टॉवल बिछा देना है। और ये जो दाल हमने सोख की हुई थी, इसे हम पूरा स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। थोड़ी सी मेहनत होगी इस रेसिपी में, लेकिन परफेक्ट इतनी बनेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है ये। फिर आप लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे मार्केट से, हमेशा अपने खुद ही घर में बनाकर एंजॉय करेंगे इसे। बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देनी है, कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी जगह बहुत ज़्यादा और किसी जगह बहुत कम है। इस तरीके से आपको करना है। आप लोग चाहें तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने 2 कप दाल की बनाई थी, लेकिन अगर आप चाहें कम बनाना तो आप 1 कप दाल भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब जो दूसरा किचन टॉवल था, वो मैं इसके ऊपर से इसको कवर कर दूंगी इस तरीके से। और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके किचन में फ़ैन है तो आप फ़ैन ऑन कर दीजिएगा, तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने उठाया है कपड़ा, तो ये इस वक्त भी थोड़ी थोड़ी गीली थी। अब मैं इसको क्या करूँगी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो नीचे वाला टॉवल है वो काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका है। तो अब मैं वो जो नीचे वाला टॉवल है वो उठा लूँगी। बहुत एहतियात आपने करना है। दाल इस वक्त बहुत बिखर रही थी, बहुत गिर रही थी, तो वो जो ऊपर वाला टॉवल था वो मैंने अब बिछा दिया है किचन काउंटर पर। और वो दाल मैं इस पर डाल दूँगी इस तरह से, और उसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे दोबारा। अभी मेरे हाथ पे बहुत कम चिपक रही थी, देख लीजिए। इसका मतलब है कि ये रेडी है फ्राइंग के लिए। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, किसी भी खुश्क बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। हाँ जी, तो यहाँ दाल बिल्कुल ड्राई हो गई है। और आपने ऑयल को पहले 10 मिनट पहले ही आपने उसको मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख देना है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि दाल मेरे हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रही। 1-2 दाने चिपक रहे थे, तो वैसी तो होगी ही वो। ठीक है, तो अब यहाँ मैं अपनी छन्नी में 4 टेबल स्पून दाल डालूंगी। इस तरीके से ऑयल आपने पहले से गरम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है।
ये देख लीजिए, तो ऑयल हमारा तेज़ गरम हो चुका था, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, अब दोबारा ऑन कर दी है। तो इस तरह से इसको इसमें रख देंगे, और स्पून आपने लाजमी चलाना है, चम्मच चलाते रहना है कंटिन्यूसली। इसकी निशानी ये है कि जब भी गल जाएगी तो इसमें बबल्स आना बंद हो जाएंगे, तो आपने इसको निकाल लेना है। और जब आप चम्मच चलाएंगे तो खुद आपको इसकी क्रिस्पीनेस का एहसास हो जाएगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो अभी हमने इसको हिलाते रहना है, तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे थे तो इसके बबल आना बंद हो गए थे। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद बबल्स बहुत कम हो जाएंगे। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है कंटिन्यूसली, और यहाँ 5 मिनट हो गए थे और ये बबल्स आना बंद हो गए थे, तो मैंने इसको निकाल लिया और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट मिलाया है और इसको मिक्स कर लिया, और अपने डिश में निकाल लीजिए। देख लीजिए, इस तरह से बहुत क्रिस्पी बनती है। आप यही सारी स्टेप फॉलो करेंगे तो आई होप को ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट है, और आपने हमेशा जब भी बनानी है सब स्टेप फॉलो करने हैं, तो हमेशा अच्छी ही बनेगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।